केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2023-24 के आम बजट को सत्ताईस के सदस्यों ने शानदार बजट बताया है। वहीं हमेशा की विपक्षी सदस्यों ने इसे तथाजनक बताया कि देश भर में इस बजट की सराहना की जा रही है। विशेष लोग इसे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट बता रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने दीपेन अग्रवाल से पेश बजट पर बातचीत की है। इस दौरान दीपेन अग्रवाल ने कहा, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट सर्वसमावेशक है। वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो है आज बजट पेश किया गया है। हमारे साथ दीपेन अग्रवाल जी हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस साल का बजट जो है पेश हुआ है, उस पर मिला जुला बजट कैसे प्रतिक्रिया आ रही है, आप क्या बताना चाहोगे? देखिए, ये बजट से अपेक्षाएं बहुत थी और ये क्योंकि केंद्र सरकार का ये आखिरी बजट है नेक्स्ट ईयर जनरल इलेक्शन के पहले, और 9 स्टेट में इलेक्शंस भी है इस साल, तो ऐसा माना जा रहा था कि ये पॉपुलिस्ट बजट रहेगा। लेकिन ये बजट में मोदी गवर्नमेंट ने और निर्मला सीतारमण जी ने ये आउटलाइन ड्रॉ कर लिया है कि पॉपुलिज्म के ऊपर उन्होंने ग्रोथ को और जॉब क्रिएशन को महत्व दिया है, और उस नज़रिए से ये बजट में सभी सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर हो, फार्म प्रोड्यूस हो या इंडस्ट्री हो, ट्रेड हो, सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ अनाउंस किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के बारे में है और एग्रीकल्चर में पर्टिकुलरली 20 लाख करोड़ का जो क्रेडिट टारगेट रखा है वो स्वागत योग्य है, और एक एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड यूथ को मोटिवेट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए कि वो फार्म लाइन में निवेश करे और उसमें अपना कार्य करे, उसका फंड जो तैयार किया है वो ज़रूर मोटिवेटिंग रहेगा। और इसमें सबसे अहम बात बजट में ये रही है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो प्रेजेंटली 6.4% ऑफ जीडीपी है, उसको 5.9 ये 2023-24 के बजट में लाने की कोशिश निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस की है, और 2025-26 तक के इसको 4.5% ऑफ जीडीपी में लाने की बातचीत की है। तो ये एक एम्बिशियस टारगेट है, फिस्कल डेफिसिट को 4.5% में लाने का कोई रोड मैप ये बजट में नहीं दिखा है। और वैसे सीनियर्स के लिए भी कुछ अनाउंसमेंट हुई है, यूथ के लिए अनाउंसमेंट हुई है, महिलाओं के लिए अनाउंसमेंट हुई है, और सभी के लिए इसमें कुछ ना कुछ है। बिल्कुल, आम आदमी के लिए किस तरह से रहेगा ये बजट? देखिए, आम आदमी के लिए बेसिकली जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है और जो बाइंग पावर लोगों की बढ़ती है, तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आम आदमी को मिलता है, और उनको उस परिप्रेक्ष्य में कुछ ना कुछ उनको भी हासिल होता है, तो उनको भी इस बजट के माध्यम से कुछ ना कुछ राहत और कुछ बाइंग पावर बढ़ने की परिस्थिति दिख रही है। बिल्कुल, आप एक व्यापारी हो, व्यापारियों के दृष्टिकोण से ये बजट किस तरह से है? व्यापारियों के दृष्टिकोण से ये बजट के अंदर में जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में निर्मला सीतारमण जी ने बताया, और लगभग 29,000 लॉज है जिसको वो एड्रेस अमेंड कर रहे थे, और 3,000 जो लॉज है जो डिक्रिमिनलाइज किया है उन्होंने, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में उसका स्वागत है। और ट्रेड के लिए, एमएसएमईज़ के लिए इसमें काफ़ी अनाउंसमेंट की गई है, और एमएसएमईज़ को जैसे अगर आपको किसी से पेमेंट लेना है तो वो पेमेंट करने पर ही एक्सपेंडिचर में उसको पकड़ा जा सकता है, तो ये जो पहल है ये बहुत अहम है। इसमें एमएसएमई का जो पैसा फंस जाता है क्रेडिट में और उधारी में, तो वो जल्दी उनको एमएसएमई को मिलेगा और वो व्यापार कर पाएंगे और अच्छे से व्यापार कर पाएंगे, और ट्रेड भी आज एज़ पर अर्लियर लॉ ड्यूरिंग कोविड टाइम्स एमएसएमई में ट्रेड को भी पकड़ा गया है। आप कैसे देखते हो इस साल के बजट को? मेरी नज़र में ये बजट ग्रोथ ओरिएंटेड है, जॉब क्रिएशन के लिए अहम है, और इम्पॉर्टेंटली पॉपुलिस्ट बजट नहीं है, और अगर 10 में से इसको मार्क देना हो तो मैं इसको 7.5 मार्क्स दूंगा। मिला जुला ऑफकोर्स है, बजट तो मिला जुला ही होता है। इसमें एक पहलू और है कि जैसे कस्टम ड्यूटी कहीं पे रिड्यूस की है, 21 से 13% की है कुछ प्रोडक्ट पे, बैटरीज और मोबाइल के जो पार्ट्स है उसके ऊपर
कस्टम्स को नील किया गया है, एग्जम्प्ट किया गया है। तो जैसे जीएसटी है, जीएसटी के दर जो है जीएसटी काउंसिल तय करती है, तो उसी प्रकार से कस्टम ड्यूटी की जो दरें है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डिसाइड करे और वहाँ पे एक काउंसिल बना लिया जाए तो ये एक बेटर होगा और इसमें आगे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सुचारू रूप से चले और सही तरीके से चले और टाइमली डिसीजन हो। मतलब कस्टम ड्यूटी के लिए बजट की ज़रूरत नहीं होना चाहिए और पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, वो कस्टम ड्यूटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिसाइड करे, ऐसी कुछ व्यवस्था करना चाहिए। तो हमारे साथ दीपेन अग्रवाल थे। ये बजट जो इस साल का रहा है ये मिला जुला बजट था, कुछ खास कर नया नहीं है इस बजट में और एग्रीकल्चर और आईटी सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान जो है इस साल दिया गया है, ना कि आने वाले चुनाव को देखते हुए ये बजट पेश हुआ है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।